लेकिन मौसी की नीयत खराब हो जाती है अपने जोड़ी के भरतार को देख करके कि ये है मेरी जोड़ी का भरतार, तो इससे होनी थी मेरी शादी, और अपने ही पुत्र पर मोहित हो जाती है। लेकिन वो पूर्णमल अपनी मौसी के महल से चला जाता है। अब रानी ने सोचा तकिया पिलंग पे लेट जाती हूँ, अच्छा जब याद तुम्हारी आती है तो पूर्ण उठ के बैठ जाती हूँ। तो ये स्वरूप राजा राम गोठवाल कोच साहब स्वरूप देते हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। अब उधर राजा सलेमान महल के दरवाजे पे आता है, देखता है कि महल में घोर अंधेरा, रानी को आवाज लगाता है, और जब चार कदम अंदर जाता है तो देखा कि रानी तो कोप पोहन में लेटी हुई है, और एक बात के द्वारा राजा सलेमान आवाज लगाता है तो रानी बोलती नहीं, और क्या बात होती है, लीजिए इस रागनी के माध्यम से। और रानी नूना दे महाराज की बात, इस महल से बाहर बाहर चला जाऊं? बिल्कुल बाहर। की बात, मेरे को बात ही नहीं करनी आपसे, मेरे से बात नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। अरे तो किससे करेगी रानी साहिबा, बातें किससे करोगे आप ये बताइए? किसी से भी नहीं करनी। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? मैं पढ़ के मरूंगी ना, ये तो अच्छी बात नहीं, और तेरी जैसी औरत को तो ये बातें शोभा नहीं देती। ले मेरी बात सुने, देख महाराज मैं तंगाली तरह इस घर वासी थे, कोई बात भी होगी, बात तो बता दे। मेरे बाप ने मेरे कर्म फोड़े, तू 80 साल का बुड्ढा मेरे ऊपर ला दिया। अच्छा, और ऊपर तो वो तेरा पूर्णमल बुड्ढा मतना का जर्मनी मशीन से आ यो रोमड़ो 80 साल को से हां, और ऊपर तो वो तेरा पूर्णमल मैं लमाया तो मोरा बुंडी बुंडी बात के तो। अच्छा, घणी बुंडी बुंडी, और उसका यो मंत्री ना यो गवाह है, इस तो पूछ लियो जी, आजकल तो गवाह बहुत मिल जाएंगे, चिंता ना करो, सच्चे गवाह है, झूठे ना रखती मैं, आजकल मिले ही झूठे हैं, सच्चे तो रह ही ना रहे तू। ओ मंत्री हाँ, इधर आ, मरवा के छोड़ेगी आज दिखे उड़ंग मंत वाया। हाँ ये महारानी जी, इसको बता क्या क्यों हुआ था महल में? महाराज क्या बात हुई थी बताओ, सच सच बात बताओ। महाराज आया था। कौन आया था? पूर्णमल आया था, दर्शन करने के लिए आया था, दर्शन करने के लिए हाँ आया था। हाँ तो और क्या, और महारानी के साथ में हाँ कुछ कुछ देखा था तने जी, अपनी आंखों से देखा था, आंखों से तो नहीं देखा लेकिन खुड़बड़ खुड़बड़ बर्तन बिखर रहे थे। बैठ जा, हाँ बैठ जा, क्रिया के चक्कर में मत ना आओ महाराज, नहीं भूखे ही मर जाओगे, और उस राम रहीम की तरिया तुम भी पड़े हो जेल में पाओगे। क्या बात है, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी ना आए, खाना खड़ी तो ले, बिल्कुल ना उमन बात ही ना करनी रे मेरी सुन ले। हाँ मन मत ना छेड़े भरतार, ये उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी मेरी नारी, मने मत ना छेड़े भरे तार तेरे ते, फिर बोला ना चाहती बोली अंधेरा तू बार महल में दीवाना पति पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरे तार तेरे ते, फिर बोला ना चाहती इधर।
लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, आजी को भी जान, आजी को भी जान, आजी को भी जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। ओ बंदे इधर आ, जब तो महाराज का आगे उल्टी उल्टी बात बोल लेता था, बिना पिंडी का लोटा कदे नून लोटता अंडे कदे नून। सुन मेरी बात, यो महाराज तो मेरी मानेगा, मैं तो फिर भी इसकी मानूंगा। अच्छा हाँ, तो मेरिया मेरी मानेगी, तो सुन ले मेरी बात, तेरे मेरे भी घर जाएंगे, या बता दिए बेटा, तो मेरी बात सुन ले, मेरे साथी साथ निभाना, अरे अकेला थकता है, दिल पे हाथ उठाना, ओ साथी हाथ मिलाना, मेरे साथी हाथ मिलाना, किचे सब तेरी जायदाद रानी, सब तेरी जायदाद, तेरे तेरे बोलना ना, तेरे बोलना ना, सुन सुन पड़गी मेरी छाती के मराद, छाती के मराद, तेरे ते बाद कौन प्यारा से, यो घर गांव नगर थारा से, मारा कौन है यो थारा से, यो सब कुछ तेरे वाले कर दिया मैंने। सुन महाराज ये झूठे लारे ना देवन। अच्छा यो मंत्री, यो मंत्री के यो बांदा है। सुन मेरी बात, चंद्रलाल जी की एक बात है के औरत की जग में मोहब्बत निराली। अच्छा हम भी खड़े हैं जरा ठहर जाने वाली, अये है हाँ। बुढ़ापे में यो वाले बगीचे सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद, तेरे बोलना ना सुन सुन पड़गी, छाती के मराद जले मेरी, छाती के मराद, तेरे ते बाद कौन प्यारा से, जो घर गांव नगर थारा से, बाद कौन प्यारा से, जो घर गांव नगर थारा से, अड़े ना कोई मेरा सती, और किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो के धरती उठ क्यों कड़ा पड़ी मेरी नार माने मत साथ न बातार तेरे ते बैठ जा, फिर का नहीं रहेगा तो फायदे में अपनी मम्मी की बात मान ले, बैठ जा मन, हाँ। मम्मी हाँ। मन खड़े रह बा देना, अरे बैठ जा, बैठ जा, अब खड़े उड़ू मैं बैठूंगा तो मैं, बैठ जा बैठ जा, क्या बात है भाई, सुन मेरी बात, बताया दूसरी कली में क्या बता दिया कवि ने भला, पढ़ूंगी कुएं मैं तने, याद जा पता तने,
जापता ताके खता हुई मेरी सैब लगड़ती शर्म तेरी ते पता के खता हुई मेरी सैब लगड़ती शर्म तेरी ते नापने तेर निगर जाती तेरे किसने के कह दिया रांड को रो रो टकराती सपड़ी मेरी नारे मने मत ना छेड़े भरता है तेरे पैर बल्ला ना करती तेरे गुबार महल में रिया ना बाती उठ क्यों सपड़ी मेरी नारे तेरे इश्क का मुझको हुआ ये असर है तेरे इश्क का मुझको हुआ ये असर है वो तुझे को खबर है ना अब तुझे खबर है तेरे इश्क का मुझको हुआ ये असर है तेरे इश्क का मुझको हुआ ये असर है बैठ समाई हरी दनवा की न बनो लुगाई रांड सा करके बैठ समाई हरी दनवा की न बनो लुगाई मेरी ना ओड बड़ी साती फिर पिनियाई मरवा दे रांड सीढ़ी सकतंदी उठ के सड़पड़ी मेरी नारे मन मत तेरे भर सारे तेरे पैर कलाना जाती पड़ी मेरी नारे काले भूखी ना और क्या जब तू अपने बेटे पर नीत टिकावन लग रही मतलब तो ना घड़ा मेरा हाँ निर्दोषी का दोष लगा रही और तेरे तो लाकड़ी की होगी देख फिर थोड़ी देर बाद न्यू कहेगा महारानी रुक जा कोई बात ना मैं कटवा दू इसने करता है अरीब तेवर दिखा रहा था ना तो मैं देख लूंगी सुबह सुन मेरी बात ये भी वक्त की बात होती है वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें ना वक्त रहा ये तो वक्त की बात होती है हर बात की बात को बात नहीं कहते यारो बात बड़ी मुश्किल से बात होती है ये वक्त की बात है हो सकता है मैं रोकूं ना रोकूं वक्त बताएगा मतलब कैसे क्या बताएगा ए, 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 ए,
ਮਹੱਲਾ ਮੈਂ ਰੋਪ ਦੀਏ ਸਾਲੇ ਰਬਰਨ ਰੋਪ ਦੀਏ ਸਾਲੇ ਏ ਰਈਬ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੂ ਸਰ ਤੇ ਗੁੰਦਗੇ ਨਾਲੇ ਗੁੰਦਗੇ ਨਾਲੇ ਪਰ ਹਟ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਨਾਗ ਰੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਨੇ ਭਾਵੇ ਆਗੇ ਪਰ ਹਟ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਨਾਗ ਪੂਰਨ ਨ ਰਵਾਵੇ ਆਗੇ ਲਗਾ ਦੀ ਕੇਰ ਕਿਆਮਤੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਭਗਤ ਪਦੋਸ ਲਗਾਵੇ ਪਾਪ ਰੂਪ ਦਾਤੀ ਕਲਾ ਪੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਮਨੇ ਮਤ ਨਾ ਛੇੜੇ ਵਰਤਾਰ ਤੇ ਮੈਂ